गुरुत्वाकर्षण भाग दो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्र बल के बारे में जाना। इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। पहले हमने देखा कि आइजैक न्यूटन ने कैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। अब चलो हम उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रैंथम के पास वुल्सथोर्प में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वे खेती में कुशल नहीं थे। 1661 में उन्हें पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया। 1665 में ऐसा कहा जाता है कि उनके सिर पर एक सेब गिरा और इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा सेब को गिराने वाले बल के बीच संबंध की खोज करने को प्रेरित किया। लेकिन न्यूटन से पहले भी वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति में रुचि थी। 16वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे। उन आंकड़ों की मदद से जोहान्स केपलर ने 3 नियम निकाले जो ग्रहों की गति पर लागू होते थे, लेकिन ग्रहों की ऐसी गति का कारण केपलर नहीं बता सके। न्यूटन ने ही बताया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वो बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। अब क्या तुम बता सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम स्वभाव से सार्वत्रिक क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये नियम ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, फिर चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, खगोलीय हो या पार्थिव, सभी पर ये नियम लागू होता है। अब हम समझते हैं कि असल में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दर्शाता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो बल उन वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा में उत्पन्न होता है। गणितानुसार इसे लिखा जाता है F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर। अब देखते हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय रूप कैसे निकाल सकते हैं। माना कि दो वस्तुएं A तथा B हैं, जिनका द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल M तथा स्मॉल m है और उनके बीच की दूरी d है। माना कि A और B के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसलिए गणित में इसे लिख सकते हैं F समानुपाती कैपिटल M गुना स्मॉल m। अब बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1 बटा d स्क्वायर। दोनों समीकरणों से हमें प्राप्त होता है F समानुपाती कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर या F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर, जहां G आनुपातिकता स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो यहां हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का विवरण इस प्रकार करते हैं। F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर। अब
हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी के लिए गणितीय सूत्र देखते हैं। इस समीकरण से हम लिख सकते हैं एफ गुना डी स्क्वायर बराबर कैपिटल जी गुना कैपिटल एम गुना स्मॉल एम या कैपिटल जी बराबर एफ गुना डी स्क्वायर बटा कैपिटल एम गुना स्मॉल एम। क्या पिछले समीकरण से तुम कैपिटल जी का एसआई मात्रक निकाल सकते हो? हम इस समीकरण में द्रव्यमान बल तथा दूरी के स्थान पर इनके मात्रक रखकर कैपिटल जी का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। कैपिटल जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। इसके लिए उन्होंने एक सुग्राही तुला का उपयोग किया। जी का मान्य मान बराबर 6.673 गुना 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जानने के बाद क्या तुम अपने और अपने पास बैठे दोस्त के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हो? माना कि तुम दोनों में प्रत्येक का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और तुम्हारे बीच की दूरी 1 मीटर है। अब तुम गणना के लिए वीडियो को रोक सकते हो। तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या तुम ये बल महसूस कर सकते हो? अगर नहीं तो क्यों? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पृथ्वी की कुछ खास घटनाओं का वर्णन करता है। ये हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की उपस्थिति सिद्ध करता है। ये सिद्ध करता है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गतिशील रहना कैसे संभव है और ये भी कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना कैसे संभव है। इसने ज्वार भाटा की घटना को भी समझाया, जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भौतिक विज्ञान की एक सीख है जिसे मछुआरों को याद रखना चाहिए। इस वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम मुक्त पतन के बारे में जानेंगे।